वोल्टी कॉल सुना था, व्हाट्सएप कॉल सुना था, वीडियो कॉल सुना था। अभी काफ़ी दिनों से एक नई चीज़ सुनने को मिल रही है, वाईफाई कॉलिंग। क्या ये फ्री है, कैसे काम करती है, इसे कुछ चार्जेस हैं, कुछ स्पेशल सर्विस इसके लिए लेनी पड़ेगी? दोस्तों, आपके सारे सवालों का जवाब मैं आज इस वीडियो पर दूंगा। प्लीज़ देखते रहिए मेरा वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वाईफाई कॉलिंग के बारे में। काफ़ी टाइम से हम लोग सुन रहे हैं और आर्टिकल्स भी पढ़ रहे हैं कि जियो और एयरटेल ने वाईफाई कॉलिंग को लॉन्च किया है कुछ शहरों में। क्या है ये वाईफाई कॉलिंग, इसको कैसे इनेबल करते हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं इसके, तो आइए जानते हैं वाईफाई कॉलिंग के बारे में। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल, ताकि आपको मेरे फर्दर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आजकल काफ़ी बार हम लोग एक प्रॉब्लम फेस करते हैं कि नेटवर्क बराबर नहीं आ रहा है, कॉल ड्रॉप्स हो रही है और कवरेज प्रॉपर नहीं है। तो इस चीज़ से उभरने के लिए कुछ सर्विस प्रोवाइडर ने वाईफाई कॉलिंग का फीचर लॉन्च किया है। दोस्तों, इन सिंपल वर्ड्स, वाईफाई कॉलिंग इज़ नथिंग डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल कॉलिंग। जो हम नॉर्मल कॉल यूज़ करते हैं सेलुलर टावर के नेटवर्क द्वारा, वैसे ही वाईफाई कॉलिंग पे हम लोग जो अपने वाईफाई का नेटवर्क होते हैं वो यूज़ करके कॉल करते हैं, बाकी उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसकी क्लियरिटी ज़्यादा बेटर है, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। दोस्तों, हमें नॉर्मल कॉलिंग के लिए क्या चाहिए होता है? नेटवर्क कवरेज, वो कहाँ से मिलता है? जो सर्विस प्रोवाइडर के सेलुलर टावर्स लगे हुए हैं उनके नेटवर्क से हमें वो कवरेज मिलता है और उसके थ्रू हम लोग कॉल करते हैं। वाईफाई कॉलिंग एक ऐसा फीचर है आपके फ़ोन में जिसके थ्रू हम लोग हाई स्पीड इंटरनेट, जो अपना वाईफाई है, उसके थ्रू कॉल करते हैं इंस्टेड ऑफ द सेलुलर टावर के नेटवर्क के। वाईफाई कॉलिंग एकदम फ्री है, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा सर्विस या कुछ अलग से कुछ सिम आपको नहीं लेना पड़ेगा। आपको जो चीज़ चाहिए वो है एक हाई स्पीड इंटरनेट वाईफाई, एक 4G फ़ोन जिसमें वोल्टी इनेबल्ड हो, दैट्स इट। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं चाहिए। आइए जानते हैं आपके फ़ोन में वाईफाई कॉलिंग को कैसे इनेबल करें। iOS डिवाइस में सेटिंग्स में जाइए, उसके बाद फ़ोन पे क्लिक कीजिए, उसके बाद वाईफाई कॉलिंग ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और वहाँ पे स्विच को इनेबल कर दीजिए। एंड्रॉयड डिवाइस में सेटिंग्स में जाइए, कनेक्शंस पे क्लिक कीजिए और वाईफाई कॉलिंग स्विच को इनेबल कर दीजिए। दैट्स इट। ये एकदम फ्री सर्विस है, इसमें सिंपल आप अपने मोबाइल में एक वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन है उसको इनेबल करके आप यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते आपका वाईफाई की स्पीड थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, वरना आपको इसमें क्लियरिटी उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। सो नेटवर्क की प्रॉब्लम सब जगह है। काफ़ी टाइम हम लोग देखते हैं कि नेटवर्क लो आ रहा है, कॉल ड्रॉप हो रही है, बात नहीं कर पा रहे हैं। कई बार कस्टमर केयर को कंप्लेन भी करते हैं उसके रिगार्डिंग, एंड दे ऑल्सो प्रोमिस अस कि हम लोग जल्दी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बट इतनी जल्दी होती नहीं है। उतने सारे नेटवर्क नहीं लगा पाते सर्विस प्रोवाइडर, तो उस चीज़ से उभरने के लिए उन्होंने वाईफाई कॉलिंग की सुविधा शुरू की है, जिसमें हम लोग जो अपना वाईफाई का नेटवर्क है वो यूज़ करके कॉल कर सकते हैं। उसकी स्टेबिलिटी अच्छी है, यानी कि कॉल ड्रॉप के चांसेस बहुत कम होते हैं, कॉल की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, क्लियरिटी बहुत अच्छी होती है, बशर्ते आपके इंटरनेट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। इंटरनेट की स्पीड अगर बोलें कितनी होनी चाहिए, तो दैट शुड बी मिनिमम 2 Mbps। अगर उससे कम होती है तो वो क्वालिटी उतनी बेटर नहीं मिलती जितनी कि वाईफाई कॉलिंग में एक्सपेक्टेड है। दोस्तों, ये सर्विस रोमिंग में भी चलेगी, आप इंडिया में कहीं पे भी इसको यूज़ करते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस, सो इट्स कम्प्लीटली फ्री। बट हाँ, इसमें आपका डेटा कंज्यूम होगा अप्रॉक्स एक कॉल में कुछ 2 MB के आसपास, एक मिनट के कॉल में 2 MB के आसपास आपका डेटा कंज्यूम होगा। वीडियो कॉल करते हैं तो वो 6 से 8 MB के बीच में आपका डेटा कंज्यूम होगा। इसके अलावा उसका और कुछ भी चार्जेस नहीं है, कम्प्लीटली फ्री है, रोमिंग फ्री है, आप कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो आज की डेट में जैसा नेटवर्क की प्रॉब्लम है
उसको ध्यान में रखते हुए अगर वाईफाई कॉलिंग हम लोग यूज़ करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिशियल है और ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे फर्दर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।